नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। नए साल की मुबारक जी, 2024 आ गया। तो चलिए जी, 2024 आ गया और जनवरी भी आ गया, तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, कैंसेरियंस के बारे में कि उनका अपकमिंग समय कैसा आने वाला है, उनका बिजनेस फाइनेंस। बात करेंगे स्टूडेंट्स की, बात करेंगे आपके ऑब्स्टेकल्स की और आपका आने वाला समय। जानेंगे आपके बारे में क्या एडवाइस मिलती है और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में जी, उसको कैसे भूल सकते हैं। गया ना 2023, गया जो बीत गया उसको वापस नहीं सोचना और सोच सोच के अपने आने वाले कल को खराब नहीं करना, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जिस चीज से आपका दिल टूटा, आप ध्यान से सोचिए उस बात को, आप कहां गलत थे। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपकी जिंदगी में आता है, या तो कुछ सीख के जाता है या कुछ सिखा के जाता है। तो अगर समय का हुआ था फेर और आप हो गए थे ढेर, तो अब आपको संभलने की जरूरत है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो दिया है वही तो वापस मिलेगा। ये सर्कल है लाइफ का और ये नेचुरल है। हम इन चीजों को शायद इसलिए अनदेखा करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है अरे चलो ठीक है, हो जाएगा, जब हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। तो अगर आप अपने किसी गुरु या किसी माता रानी पे, किसी पे भी बिलीव करते हैं, किसी भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको भी पता है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। और अगर आपकी भी ऐसी ही सोच है तो जी अब फिर प्रॉमिस कर दीजिए कि आप कोई भी पिछली चीज याद नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आप पुरानी चीजों को अपने साथ लेके चलते हो ना, तो एक बैगेज होता है आपके कंधों पे, बोझ होता है आपके सर पे, एक बोझ होता है आपके साथ, कुछ कॉर्ड्स कनेक्टेड होती हैं, उन सबको रिलीज कर दीजिए। जैसे ही उस लोहे के जो गले में फंदा होता है ना, कई बार उसको हुकअप करेंगे ना, उसको खोल देंगे, तो क्या होगा, जो चेन पीछे जा रही है और जो इतना बड़ा सा लोहे का गोला है ना, जिसमें बहुत सारा ढेर सारा दर्द और सारे आपके दुख दर्द जितने भी है ना, वो सारे उस गोले में ही होते हैं। तो अगर आप उसको गले में बांध के चलोगे तो हाउ विल यू वॉक, तो आप तो पीछे ही हो जाओगे ना। सो उसको खोलो, फेंक दो, बाय बाय, मूव फॉरवर्ड। जैसे ही पुरानी चीज़ों को रिलीज करते हैं ना, लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है। करना है क्योंकि आ रहा है पैसा जो चाहिए आपको, इतनी मेहनत करिए भाई, दिन रात मेहनत करिए, अब उसका रिवॉर्ड चाहिए, चाहिए ना, तो चाहिए। तो फिर अपने पे काम करो, थोड़ा सा अपने से प्यार कर ले, दुनिया को थोड़ा सा गोली मार के साइक कर दीजिए। क्योंकि जब आपको दुनिया से कुछ मिलना ही नहीं है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपने पे फोकस करना है, अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप अपने पे फोकस करेंगे ना, सब कुछ आपकी तरफ आ जाएगा। आपकी फैमिली आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है और आपको लगता है कि शायद आप उनकी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे। इस इल्यूजन को इरेज करो। हम अपनी लाइफ में अपने लिए जीते हैं और अगर आपकी फैमिली ने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो यू हैव टू गिव इट बैक। उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है ना, और मेहनत ऐसी करनी है कि आपके खुद के घर वाले आपको बोले वाह बेटा क्या काम कर दिया, यू मेड मी प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये वर्ड सुनने के लिए ना इंसान बहुत मेहनत करता है जब आपकी फैमिली की बात आती है। अगर आप इंडिविजुअली भी कहीं पे काम कर रहे हो, सो आप हल्की पोजीशन पे बैठ नहीं सकते, यू वांट समथिंग हायर पोजीशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जॉब बिजनेस टॉप ग्रेड। आप गट चाहिए टॉप ग्रेड, कुछ भी चाहिए टॉप ग्रेड। जब किसी को सब कुछ टॉप ग्रेड चाहिए तो आपको टॉप ग्रेड काम भी करने पड़ेंगे ना। जबान को थोड़ा लगाम दे दें, जबान से कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंच जाए। शायद ऐसा किया है आपने, या आपके साथ किसी ने ऐसा किया है जिसके बाद आप बहुत टूट गए, आपको लगा शायद दुनिया खत्म हो गई मेरी। जो आप लोगों से मैच हो, जो रेजोनेट हो, वही लीजिएगा अपने ऊपर। सब कुछ अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात यह है कि अब आपों ने हालात से कर ली है दोस्ती, आपको लगता है ठीक
जो वक्त बीत रहा है उसको बिता देते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। जी भूल जाइए और ज़िंदगी में आगे निकल जाइए, क्योंकि अब 2024 जनवरी से आपका समय इस तरह से होने वाला है कि अब आप जो सोचेंगे वही होगा आपके साथ। सो नाउ दैट यू हैव टू डिसाइड यू वॉन्ट वॉट, ठीक है, क्या पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, परिवार में सब जगह एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए, जो गोल्स लाइफ में अचीव करने थे क्या वो गोल्स चाहिए, जो आज 1 करोड़ के मालिक हैं क्या उनको 10 करोड़ बनाने के लिए, वो टारगेट अचीव करने के लिए जो आपको बनाना है, स्केल रेडी करना है, वो चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, उस सब को बना लीजिए, एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए और अपना सब सर्कल उसमें लिख लीजिए व्हाट यू वांट। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल सिर्फ यही है आपकी लाइफ में कि जब तक आप बोलते नहीं हो ठीक है, लेकिन जब आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हो ना, पंटा ढार कर लेते हो अपनी ज़िंदगी का, थोड़ा ज़बान पे लगाम लगा लीजिए। अगर किसी मीटिंग पे जाते हैं और आपको लगता है काम नहीं बन सकता है, आपकी ज़बान से कुछ गलत हो सकता है, तो एक छोटी सी इलायची अपने मुंह में रख के चली जाइए और देखिए आपके काम कैसे बनने लग जाते हैं, देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपको लगता है आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जितनी मेहनत आप करते हो लोग उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, फिर आप एक इमोशनल लॉस में चले जाते हो। करेक्ट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, वेरी ट्रू एंड करेक्ट। आप कार्ड देखो क्या बोल रहे हैं। अब आपको उस चीज को रीजनरेट करना है, अपनी लाइफ को रीजनरेट करके अपने आप को रिवॉर्ड देना है। हमें दूसरों से अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन यू फील यू आर अ स्टार, यू आर अ स्टार। जब आप अपने बारे में इतने अच्छे परसेप्शंस लगा लेंगे कि हम ऐसे हम वैसे, सो इफ आई से माई सेल्फ आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू लकी, आई एम द वेरी हैप्पी वुमन, ये वो जो भी है ना, मुझे जो भी चाहिए मैं अपने बारे में सोचती हूँ। एवरीबडी अराउंड मी लव्स मी, एवरीबडी केयर्स अबाउट मी, आई एम फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हैप्पी वेल्दी लाइफ, है ना। सो हम अफर्म करते हैं, सो डू दिस फॉर यू, डू इट एंड यू हैव टू डू दिस। Now stop arguing yourself, stop cursing yourself, क्योंकि जब तक हैंडमेड में आप लटक रहे थे, अब सीधे हो जाओ, चीज़ों को सीधा कर दो, चीज़ों को बेटर कर दो, अपने आप को कोसना बंद करो एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वीनस का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है। देखो अब तो आपको बहुत सारे लोग प्यार करेंगे, उस प्यार का समय आ गया है, सिर्फ एक अपना स्टेप, एवरीथिंग गुड। वीनस का टाइम आ रहा है तो कुछ ना कुछ वीनस रिलेटेड काम कीजिए, है ना, या तो फ्लावर्स किसी को दे दीजिए अगर आपको कोई पसंद है तो, है ना, या फिर अपने पे गुड ड्रेसिंग सेंस विद द आयरन क्लोथ्स एंड अ नाइस पोस्चर, एकदम जब जाएं तो एकदम बढ़िया लग्जरी गाड़ी, यू हैव एवरीथिंग बट यू स्टिल आई डोंट नो कौन से इल्यूजन्स में आप घूम रहे हो। बस भाई दिल का टूटा तो दुनिया भी सोचती है भाई, अगर ज़्यादा दिल टूट गया तो बस उसको ठीक कर लो। फाइंड अ न्यू लव फॉर यू, फाइंड अ न्यू फ्रेंड फॉर यू, फाइंड समबडी हु केयर्स फॉर यू, और आपके आसपास ही है और आपको पता है कि वो आपके लिए है। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कुछ अचीव करना है, ज़रूर अचीव होगा जनवरी में, जो बोला वो करना शुरू करो। और अगर ज़्यादा दिक्कत लगती है तो अपनी लेफ्ट पॉकेट में 5 इलायची रख के लेके जाया करो, और जब समय लगे उसको खा लो, नहीं तो अपनी पॉकेट में रखने दो, आओ और अपने पर्स में रख लो, देखो धीरे 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 कैसी चीज़ ठीकें होंगी। और अगर कहीं पे भी लगता है ज़्यादा चीज़ें तो एक इलायची अपने मुँह में रख लो, बहुत सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत मिरेकल्स क्रिएट करती हैं। चलिए बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, वो कैसे हम छोड़ दें। कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में आपको हेल्प कर सकता है। बहुत टेस्ट एंड ड्राइव कर ली, बहुत ऑप्शन सर्च कर लिए, पर शायद किसी से दिल निकाल नहीं पा रहे हो, किसी को भूल नहीं पा रहे हो। भूलना पड़ेगा। अगर शादी नहीं हो रही थी तो शादी ज़रूर होगी, आप हनीमून पे जाएंगे, बहुत अच्छा समय बिताएंगे, किसी को एंट्री तो दीजिए, किसी को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर विलिंग कि उनको कुछ ऐसा कोर्स करना है या कुछ ऐसी आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करनी है जो उनकी फैमिली में किसी की नहीं थी,
दे वॉन्ट टू क्रिएट दैट, और वो आप क्रिएट कर सकते हो इफ यू आर अ स्टूडेंट. तो वो करो, थोड़ा सा प्लेफुलनेस अपनी कम करो, लेकिन इंजॉयमेंट मीन्स कि पार्टी करो, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. कई बार हम अकेले होते हैं ना, अपना एक रूटीन होता है, सुबह जाओ जॉब पे, वापस आ जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, नो एंटरटेनमेंट, नो टीवी, नथिंग, नो फ्रेंड्स, नो पार्टी. 6 दिन कमाना, 1 दिन उड़ाना, फंडा ऑफ माई लाइफ विच आई डू फॉर माई सेल्फ यू डू फॉर योर सेल्फ. 6 दिन कमाना, 1 दिन उड़ाना, ये अपनी लाइफ का एक फंडा बना लो. पैसा आता ही इसलिए है कि हम अपनी लाइफ को इंजॉय करें. सो डू इट. इफ़ कहीं पे आप कोई बट नो यस लग रही है, तो गिव मी अ नो कॉल्स ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस टू फिक्स योर पर्सनल अपॉइंटमेंट. एंड पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती. मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोज़ के साथ. नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है? मिलती हूँ नई वीडियोज़ के साथ. धन्यवाद.